हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी काउंसलिंग है वो हमें कैसे करानी है। तो आप देख सकते हैं हेमवती नंदन बहुगुणा HNBU MU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये मैंने खोल रखी है। आपको नीचे स्क्रॉल करना है और जो आपको सबसे पहला लिंक है ये कल रात ऐसे को 11 बजे के आसपास हमारा एक्टिवेट हो गया था। आप इस पर क्लिक करेंगे आपको ये अलग लिंक पर ले जाएगा, ये आपको मिल गया। यहाँ पे सीट मैट्रिक्स भी आ गई है और कॉलेज वाइज फ़ीस भी आ सक गए हैं। जो यहाँ पे फ़ी डिटेल है, कॉलेज वाइज फ़ी डिटेल है, ये मैंने जो पहले वीडियो है उसमें डिस्कस कर लिए, वही सेम फीस है। आपको इसके अंदर क्या करना है, आपको अपना यहाँ पे रोल नंबर डालना है, ANM JNM पैरामेडिकल BSc नर्सिंग जिसका भी हो, आपको पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है। रोल नंबर यहाँ पे डाल के फिर आपको क्या करना है, जो नीचे वाला है उसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके नंबर पे जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर एक OTP आएगा, आपको OTP डाल के सबमिट कर देना है। इससे अभी क्या होगा, आपके वो मतलब फॉर्म जो होगा वो ओपन होगा, लेकिन उसमें भी ना तो चॉइस फिलिंग है ना ही आपका जो फ़ी है वो आप दे सकते हो, क्योंकि मैं आपको लेके चलता हूँ स्केड्यूल की तरफ। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो 26 तारीख से ओपन होना था, ये हमारा ओपन हो गया, लेकिन जो यहाँ पे फ़ी पेमेंट हो गया, चॉइस फिलिंग हो गया, मतलब जो हमें कॉलेज सेलेक्ट करने हैं वो चॉइस फिलिंग हो गया, वो यहाँ से 28 से लेके 1 तक है। मतलब अभी अगर आप लॉगिन करके वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको सिर्फ वो फॉर्म दिखेगा, आप उसके अंदर आपका नाम आ जाएगा, आपकी रैंक वगैरह आ जाएगी, वो फॉर्म आ जाएगा, लेकिन आप उसमें फर्दर प्रोसेस अभी नहीं कर सकते। आपको 28 तारीख का वेट करना होगा, 28 तारीख को 11 बजे के बाद वो पूरा उसका फ़ी पेमेंट और जो चॉइस फिलिंग है वो एक्टिवेट हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारा 2 से लेके 3 तक हमारा डाटा प्रोसेसिंग होगा और फिर उसके बाद 4 सितंबर को हमारा जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। तो आपको भी थोड़ा और वेट करना होगा। अभी कुछ बच्चों का कहना है कि अगर हम वो नर्सिंग वाला मतलब काउंसलिंग का जो लिंक है वो क्लिक कर रहे हैं तो अभी चॉइस फिलिंग का नहीं आ रहा है, वो अभी नहीं आएगा, वो 28 तारीख से एक्टिवेट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में जो सीट मैट्रिक्स है उसके रिगार्डिंग मैं डिस्कस करूँगा। और आपको जिस भी चीज़ पे वीडियो चाहिए आप कमेंट कर दो, मैं उसी चीज़ पे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा।